नंबर हाँ जी 3/12/66 अभी आपने विक्रम संवत आज का जो डायरी में नोट किए हैं 3/12/2066 अच्छा ये विक्रमादित्य विक्रम संवत को पता होता है विक्रमादित्य जरूर क्या जन्म हुआ था ना उसे काबू किया था ना क्या है पता नहीं और आपके मुरली में बोले हैं राम राज्य राम ही स्थापना करेगा राम मंदिर राम ही बनाएगा तो बाबा ये नेपाल में विक्रम संवत मानते हैं नेपाल में मानते हैं हाँ सर नेपाल में भारतवर्ष में नहीं मानते भारत में भी विक्रम संवत मानते हैं हिंदू लोग है सरकार में मान लीजिए अगर जी तारीख लिखते हैं हम लोग जिस आज इतनी तारीख है जैसे लेकिन नेपाल में संबंध गति दिखा जाए जैसे 3/12/2066 वहाँ भी संबंध चलता है इंडिया में भी संबंध ही चलता है उसे विक्रम संबंध भी चलता है और जो सरकारी तबक्का है वो शक संबंध ज्यादा मानती है अच्छा बाबा विक्रमादित्य जो थे उसका पहला जो टीवी नहीं था तो पेपर में उनका सीरियल निकलती थी जब टीवी हुआ तो विक्रम बेताल का वो टीवी में भी सीरियल निकला तो बाबा वो विक्रमादित्य और जो राम मंदिर जिसने बनाया अब विक्रमादित्य कौन सा आत्मा था विक्रमादित्य कौन था बाबा ये थोड़ा क्लियर कर दिया बाबा ने तो क्लियर कर दिया कि द्वापर के आदि में पहला पहला राजा कौन हुआ विक्रमादित्य राजा हुआ उसी ने सोमनाथ मंदिर बनाया ये सोमनाथ मंदिर जो अभी बना है ये तो 200 साल पहले बना है जो असली मंदिर था वो तो मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिया तो 2500 वर्ष पहले पहला मंदिर बना है सोमनाथ मंदिर वो मंदिर बनाने की राय भी विक्रमादित्य के बाप ने दी पहले मंत्री नहीं होते थे मंत्रणा देने वाले बाप ही बच्चों को राय देता था तो समझा जा सकता है कि विक्रमादित्य है कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा उसको राय किसने दी होगी राम वाली आत्मा ने राय दी और बहुत लंबे समय के बाद फिर विक्रम संवत शुरू हुआ क्योंकि द्वापर युग के शुरू में तो इतना दुख नहीं था जब रावण राज्य शुरू होता है तो सतो प्रधान होता है कि तमो प्रधान होता है तमो प्रधान होता है दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है बाद में तमो प्रधान होती है भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी अब भी विचारी भक्ति थी तो सुख था सुख में उतना संबत बनाने की दरकार नहीं है इसलिए 2500 साल पुराना संबत कोई भी नहीं है न मुसलमानों का न क्रिश्चियंस का न शकों का न हूणों का और न ये अपना विक्रमादित्य संबत जब उस राजा को बहुत लंबा समय हो गया तो 200, 400, 500 वर्ष के बाद फिर संबत चलाना शुरू किया उसकी यादगार में क्योंकि उसने जितना राजा ने सुख दिया था बाद के राजाओं ने उतना सुख नहीं दिया तो उसकी यादगार में वो संबत शुरू कर दिया और बाबा जो अभी जो बोले हैं निश्चय और अनिश्चय का बात जो बाबा जो अभी बोले थे शालिग्राम दिन भर बनाते हैं शाम को उसको तोड़ देते हैं शिवलिंग बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं उसी मुताबिक इस खास करके पश्चिम बंगाल में इतना देवी आपका दुर्गा का उनका साथ में 4-5 और देवी देवता बनाते हैं और ये विजयदशमी का टाइम में और ये दिवाली में काली का तो इतना लाख लाख करोड़ खर्च करके वो प्रतिमा बनाते हैं उसके बाद पूजा होने के बाद फिर ले जाके गंगा में ले जाके उसको तोड़ फोड़ देते हैं तो ये क्या बाप अभी हमने बताया था कि निश्चय अनिश्चय वो क्या अनिश्चय हो गए वो लोग ने ऐसे किया ना क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब थे कि नहीं थे पहले बाबा हम पहले थे बाबा आप नहीं थे आप नहीं थे पिछले जन्म में रहे होगे चलो छोड़ो तो
ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब जो थे वो जानते हैं, यहाँ बहुत बैठे हैं ऐसे। जब बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था उससे पहले जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे तो कितना खर्चा किया देवियों के ऊपर, उन ब्रह्मा कुमारियों को जिनको हमने देवी समझ लिया कितना खर्चा किया, ढेर के ढेर मंदिर बना के उनको दिए, ढेर के ढेर सेंटर बना के उनको दिए, कपड़े दिए, मिष्ठान दिए, फल दिए, पैसा दिया, अपने बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं किया, उस भक्ति में सारा पैसा लगाया। फिर जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तो फिर उनको डुबो दिया। नहीं डूबती है तो पांव रख करके डुबो देते हैं, यह है बुद्ध रूपी पांव। बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं उनके सामने कि वो ठंडी हो जाती है। ज्ञान सागर के ज्ञान जल में उन सबको डुबो दिया जाता है, गंगा नदी में डुबो देते हैं। यहां भी ऐसे होना है एडवांस में, अभी ज्ञान गंगाएं निकली नहीं है, जब ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तो फिर उस ज्ञान गंगाओं के जल में जिनको हम देवी समझते हैं उनको डुबो देंगे। अभी बात बताई जगदम्बा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है, काली बन जाती है। काली हमको देती है या भगवान देता है? देता तो भगवान है, लेकिन समझ लेते हैं कि हमको काली से सब कुछ प्राप्ति हुई। तो ये विश्व की बात सही, ब्रह्मा बाबा जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को मिल जाती है। ऐसे ही प्रजापिता कुछ समय के लिए गुप्त होता है तो जगदम्बा को ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिल जाती है। दीदी दादी दादाएं इतने ज्यादा उनका असर नहीं हुआ है अभी दुनिया में, जितना असर महाकाली और महाकाली की भुजाओं का होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन बाद में क्या होगा, जब एक बाप प्रत्यक्ष होगा तब डूबी जा हो जाएगी। और बंगाली में सब बाबा जी यादगार, वही सभी काली का इतना बड़ा भयंकर माँ 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 बोलते हैं, वही लोग चिल्लाता है बाप। जगत पिता कहाँ से शुरू होता है? और जो तो कलकत्ता में बीज रोपण हुआ है, वही तो जगत का वृक्ष बना हुआ है यादगार में, बनियन ट्री। तो जहाँ जगत पिता होगा वहाँ जगदम्बा भी होगी। और जगदम्बा का पूजा बाबा वो पहला नहीं होता था, वहाँ रहते रहते चंदन नगर और किशन नगर ये दो शहर में होता है, बाकी कहीं भी नहीं होती, ये दो ही में होता है। फिर क्या है इसका मतलब? जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ज्ञान को ज्यादा समझती है पहले समझती है, या राम वाली आत्मा पहले समझती है? तो कृष्ण वाली आत्मा के हाथ भक्ति ही लगेगी ना पहले, तो पूजा करेगी। चंदन नगर का हो चाहे कृष्ण नगर का हो। और बाबा सिलीगुड़ी में ये एडवांस गीता पाठशाला है, आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय है ना? हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी नहीं है, बनने वाला है। हाँ, अभी वहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। और बाबा आत्मिक स्टेज में सुख बोध मिला है बाबा, में एक ही दिन कहता है कैसे सुख मिलेगा आत्मिक स्टेज में? वो तो जो गुड़ खाएगा उसी को गुड़ का पता चलेगा, कहने से थोड़ी पता चल जाएगा। आत्मिक स्थिति में रहो, यहाँ स्टार को देखने की प्रैक्टिस करो, जिससे बात करो उसकी लाल लाल बिंदी को न देखो, उस स्टार आत्मा सफेद स्टार को देखो। देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी के भी चेहरे को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे स्त्री को देखो, बच्चे को देखो,
बूढ़े को देखो क्या दिखाई पड़े, वो स्टार सफेद दिखाई पड़े। तो ऐसी प्रैक्टिस जिनकी बन जाएगी उनको पता चलेगा कि इसमें क्या सुख है, कैसी स्टेज रहती है। कोई गालियां भी दे जावे, ग्लानी भी कर जावे, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शिव बाबा बिंदी है, बिंदी था, बिंदी ही रहेगा। ये सब पुरानी दुनिया में आता है, पुराने शरीर में आता है, और शिव बाबा को कितनी गालियां मिलती हैं, कितनी ग्लानी होती है, दुख होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि बिंदी है, बिंदी ही समझता है, देह है ही नहीं, तो देह समझता भी नहीं, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी होके रहते हैं। और बाबा काशी नगर का बहुत बखान करता है बाबा। काश्य, काश्य का अर्थ है तेज, काय का तेज, याद का तेज। तो जहां याद का तेज भरा हुआ है तो शिव बाबा को याद नहीं आएगा। शिव बाबा क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम हमको ज्ञान सुनाओ। हाँ, शिव बाबा हम बच्चों से चाहता क्या है? ये चाहता है खूब याद करो, याद में रहो, और मेरे सिवाय और किसी को याद न करो, मेरे सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए। तो जो बाबा को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये याद में रहने वाला है, तो बाबा को वही प्यारा लगेगा ना। तो वहां यादगार बनी हुई है काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ का शिवलिंग बना हुआ है ना, उसका नाम विश्वनाथ क्यों रखा? क्योंकि जो लिंग रूप है, जो व्यक्तित्व है, जिसकी यादगार में वो लिंग बना है, बड़ा रूप, शिव तो बिंदी ही है, लेकिन वो बिंदी जिस बड़े रूप में प्रवेश किया है वो विश्व का मालिक बना है। कौन से बल से? याद के बल से बना है। तो वो नगरी उनको प्रसिद्ध है, बुद्धि में वो बहुत याद आता है। जो मेरे को याद करता है मैं उनको याद करता हूँ। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुमको याद करूं। याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है, और वाचा की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, दृष्टि की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, मित्र संबंधी उनके द्वारा सेवा, वो सेवा बड़ी या याद के फोर्स से जो दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा वो सेवा बड़ी। जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के पांच तत्वों को भी सतो प्रधान बना देवे, तो सारा विश्व पलट जाएगा। तो सेवादारी बच्चों को मैं बहुत याद करता हूं। जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को याद करता हूं। तो कौन सी सेवादारी बच्चों को याद करता हूं? हैं? याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों को बहुत याद करता हूं। तो विश्वनाथ शंकर को शास्त्रों में दिखाया है कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। और बाबा अभी त्रिमूर्ति स्वरूप में मुझे चला रहे हैं, या हर
चीज कर रहे हैं। इसी तरह मध्यम में भी जब अव्यक्त मुरली चलती है त्रिमूर्ति से रूप चलती है। बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं कहीं दूसरी जगह चलाते हैं? भक्ति मार्ग में क्या गायन है, कहाँ मुरली है बाजे? माता कहते हैं जब मधुबन में मुरली चलाते हैं तब अलग बात है और यहाँ बात अलग है। ऐसे है माउंट आबू में मधुबन है, यहाँ थोड़ा ही है। जहाँ दीदी दादियां दादाएं हैं वहां मधुबन है, जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन नहीं होता है। अभी तुमने सुना नहीं क्या कहा? हाँ माता जी फिर से बोलो 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 बोलो। अच्छा अव्यक्त मुरली को भगवान की मुरली कहा जाता है, उसे मुरली नहीं कहते हैं, वो है अव्यक्त वाणी, वो मुरली नहीं है। मुरली तेरी में जादू, अव्यक्त वाणी सुनने वाले वहां ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार बैठे हैं, उनको जादू चढ़ा है नहीं चढ़ा? और यहाँ यहाँ मुरली सुन करके जादू चढ़ा कि नहीं? बुद्धि में जादू लग जाता है। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहते हैं इनको क्या हो गया, ऐसा ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं सुनाया। दुनिया वाले कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाती हैं और जो सुनते हैं वो फिर दुनिया के दूसरे किसी धर्म संप्रदाय को अपनाती नहीं है। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गए सो बन गए, ऐसा जादू लगाती हैं ब्रह्मा कुमारियां। और अब ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? वो क्या कहती है कि ये एडवांस वाले शंकर पार्टी वाले ऐसा जादू लगाते हैं कि एक बार जो शंकर पार्टी में चला गया वो फिर वापस आता नहीं। और ये भी जानती हैं अगर वो वापस चले आए तो हम उनको पचा भी नहीं सकेंगे। तो कौन सी मुरली में जादू? अव्यक्त वाणी में। चला दादा कुंडलिनी शक्ति जागरण का देह में क्या? कुंडलिनी शक्ति जागरण का देह में क्या आप है? बेवकूफ बनाया है। अनर्थ की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं। ना आज तक किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और ना कोई अमर बना, ना कोई देवता बना, ना कोई को सिद्धि हुई। किसी ने ऐसा कोई सिद्ध है ऐसा कोई देवता देखा हो तो हमें दिखाए। उन्होंने 8 चक्र दिखाए हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि, हृदय, यहाँ और यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सहस्त्रासार 8वां चक्र, ये 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रासार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं, 1000 भुजाओं के सहयोग से वो राजधानी स्थापन कर लेता है प्रजापिता ब्रह्मा, उसको सहस्त्रासार के रूप में दे दिया है। सबसे नीचे जो चक्र है कहते हैं वहां कुंडलिनी सोई पड़ी है। क्या वहां शक्ति कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है? अगर उसको हमने जागृत कर दिया तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्रासार में जब पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्ट देवताओं की बात है, ये 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागृत हो जाते हैं तो सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। बाकी ऐसी कोई कुंडलिनी शक्ति होती नहीं है। और
मुरली में क्या जादू बोले बाबा सतमुच ये जादू ही है। हमको तो एकदम ऐसा अनूठा जादू लग रहा है कि वंडरफुल जादू, लेकिन 40 साल बिछड़ा हुआ आत्मा भी ऐसा मिल मिलाप करा दिया, इसी में हमको ताजुब लग रहा है। 40 साल क्यों, आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, बिछड़ा हुआ था 40 साल बिछड़ा दिया था आपने। नहीं पहचान पिछड़ा हुआ कोई आदमी होगा 40 साल से, वो मिला दिया मुरली ने। मुरली में ज्ञान से मिला दिया। काठमांडू कितना बार आया, कितना बार किया। 40 साल से पिछड़ा हुआ, कोई पिछड़ा हुआ होगा इनका। कौन? मैं गीता पाठशाला का साने पा मंजू माता। हाँ, मंजू माता से मिल गए। मंजू माता से मिल गए उसी ज्ञान से 40 साल के बाद। 40 साल के बाद, 40 साल के पहले भी मिले थे। मिला था देह संपर्क बहन, छोटी बहन, हम बड़े भाई। अच्छा अच्छा, ज्ञान से ऐसा सुने हैं कि अरे तुम्हारा छोटा बहन ऐसे ऐसा वहाँ हो रहा है काठमांडू में, वो भी पता नहीं कहाँ है कहाँ है। तो आता थे, पता लगाते 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 एक आदमी ने मोटरसाइकिल में लिया के अपना ताला ने लिया के पहुँचा दिया। पता चला कि हाँ क्या है इसमें जादू, हमको वहीं पर लगा। हाँ, श्याम ने जादू लगा दिया मुरली से। मुझे सरसा जो असर का चलता है, इससे पहले भी मुरली था ना, मैं एक मुरली का नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या सरसा अर्जर्ट का मुरली सुना है, पहले का नहीं सुना है, पहले का नहीं सुन पाया कह रहा हूँ। नहीं सुन पाया तो सुन लो। 65 से लेकर के 64-65 से लेकर के 68 तक की मुरलियों का संग्रह ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुरक्षित करके रख पाया। उससे पहले की मुरलियां सारी फाड़ फूड़ करके सब कचरे के डब्बे में चली गई। तो जितना मिल रहा है वो अब सुन लो, मिल रहा है वो तो सुनो। तब तक हो सकता है कि पिछली मुरलियां भी कहीं मिल जाए दबी ढकी, कोई न कोई पुरानी गीता पाठशाला में से मिली जाएंगी। मुरली मुरली के संबंध में जो पुराना है, अभी जो सुन रहे हैं हाँ, वो सब पुराना मुरली है। हाँ, गेट वाली। हाँ, क्या नया मुरली भी निकलने वाला निकल सकता है? मुरली निकलती किसके मुख से है पता नहीं, नहीं, नहीं। कहाँ निकलती है जो मुरली ये पढ़ी जा रही है वो कहाँ निकलती है, कहाँ छपती है, किसके मुख से निकलती है? भगवान किसे पीयू वाणी बोला था? पीयू वाणी तो वही कराची में उन्होंने इकट्ठी करके सारी दफन कर दी, वो तो मिली नहीं रही है। जब कराची में कभी कोई खुदाई उदाई करेगा तो मिल गई तो मिल गई। बाकी है उससे आगे दूसरा नया तो नहीं। 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद से मुरली निकलना बंद हो गई। 68 तक जो भी था वो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो सन 68 तक ये वेदवाणी कहो मुरली कहो ये निकली। ये ज्ञान अमृत है मुरली, इसे गीता ज्ञान अमृत कह दो। तब बनता है जब उसका मंथन होता है। तो 68 तक मंथन नहीं हुआ, जो मुख से बोल दिया सुनने वालों ने सुन लिया, बोलने वाले ने बोल दिया, उसके आगे उसमें से नई बात कुछ नहीं निकली। उसके पीछे जो डेट वाइज बेसिक में दो मुरली निकल रहा है, आज का मुरली बोलकर। हाँ, बता तो दिया, उनके पास 5 साल का ही स्टॉक रहा, उन्होंने भगवान की वाणी का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई भी धर्म वाले हैं अपने धर्म ग्रंथ को बहुत ध्यान से पालते हैं रखते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की वाणी का ज्यादा वजूद नहीं समझा।
सिर्फ 5 साल की वाणियां मिल रही है। टोली भी उसी में रख के दे देते हैं, मुरली पे टोली रख के दे देते हैं। आज का मुरली बोल रहे कैसे निकल, नहीं वो तो आज छाप देते हैं, वो रिवाइज मुरली है, रिप्रेस है, यही मुरली जो है 68 की है, छाप नहीं आज की तारीख में, पुरानी वाणियां ही दोबारा छाप देते हैं, वही छाप देते हैं, सिर्फ डेट चेंज कर देते हैं, ऐसे और बाबा आपसे कितना दिन मिलेंगे आप मुरली कब था मुरली आपका वाणी आपका संग में रहकर कब तक सुनेंगे ये वाणी बाबा ने तो बोला है कि जब तक जीना है तब तक बात खत्म हो जाती लिमिट क्यों रखना अभी कैसे खत्म हो जाएगा बाबा अभी कैसे खत्म हो जाएगा बाबा खत्म हो जाएगा बाबा तो खत्म होता ही नहीं कैसे खत्म हो जाएगा बाबा ने तो मुरली बोला इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है तो आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा ऐसा हो सकता है बच्चों को तो आज भी मिलेगा कल भी मिलेगा और अंत तक भी मिलता ही रहेगा बाकी जो धोखेबाज होंगे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले उनसे नहीं मिलेगा ऐसे भी तो हैं कि अपना धर्म छोड़ करके इस्लामी आए इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए हुए कि नहीं बौद्ध आए बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन आए क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए मोहम्मद आया मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए शंकराचार्य आए सन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए गुरु नानक आए सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए कितने कन्वर्ट हुए भारतवासी नहीं तो भारतवासियों की संख्या दुनिया में सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए लेकिन भारतवासियों की संख्या बहुत कम और दुनिया वालों की संख्या दूसरे धर्म वालों की संख्या कितनी ढेर की ढेर हो गई कैसे हो गई दूसरे धर्म वाले तो कन्वर्ट होते ही नहीं क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं हिंदू बनते हैं मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू बनते हैं बौद्ध कन्वर्ट होकर हिंदू बनते हैं नहीं हिंदू ही है ये देवी देवता सनातन धर्म वाले ये ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो जो धोखेबाज हैं उनसे नहीं मिलेगा यहां भी नहीं मिलेगा तो वहां भी नहीं मिलेगा बाबा ये सूर्य अभी जो एडवांस में जितना भी आया है चाहे डायरेक्ट आए चाहे बेसिक से आए लेकिन जब यहां आ गया बाबा को जब पहचान लिया ये लोग तो शायद करबट होगा नहीं होगा ना क्या ये लोग तो सत्य में सूर्यवंशी होगा ना क्या बाबा हिंदुस्तान में बंगलौर में जाओ अहमदाबाद में जाओ बंबई में जाओ क्या हैदराबाद में जाओ वहां एडवांस से ही भट्टी करके निकले हुए ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने अलग पार्टियां बना रखी हैं और उसमें ढेर के ढेर कन्वर्ट होकर के भट्टी करने वाले एडवांस के ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो गए कि नहीं कन्वर्ट होके काम चल रहा है चिंता क्यों कर रहे है हाँ आकाश में 3 तारे होते हैं 3 तारे साथ साथ रहते हैं उसके साथ में उसके साथ तो छोटे छोटे तारे हैं क्या है क्या है 3 तारे ही नहीं होते हैं आसमान में कहीं कहीं तारों का गुच्छा होता है ढेर के ढेर तारे इकट्ठे रहते हैं वो जहाँ जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे इकट्ठे ही रहेंगे अलग अलग नहीं होते कोई तारे ऐसे होते हैं आज इनके साथ इस सितारे के साथ कल उस सितारे के साथ आज चंद्रमा के साथ कल शुक्र के साथ ऐसे भी होते हैं ये यही सितारे बैठे हुए हैं ये आर्य समाजी है ना
ये कभी इस्लामियों का साथ देते हैं, इस्लामी आए तो इस्लामियों में चले गए, बौद्धी आए तो बौद्धियों में चले गए, क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन में चले गए, किसी धर्म पर उनको आस्था टिकती नहीं है, हर धर्म से उनकी आस्था टूटती रहती है, विश्वास बैठता ही नहीं, तो अंत में आकर के ये धर्म निरपेक्ष राज्य बना देते हैं, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, अर्धनास्तिक हैं, आधी नास्तिक हो जाते हैं, देवी देवताओं को मानते ही नहीं, कहते साकार में भगवान होता ही नहीं, तो सब तरह के सितारे हैं, कोई साथ साथ रहते हैं और कोई साथ साथ नहीं रहते, और बाबा राजयोगी आप जो देख रहे हैं बाबा ये तारे सब उनको बात पूरी कर लें, बीच मत बोलो फिर। हाँ, राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है राज को समझना, योगी बनना और दूसरों को योगी बनाना, राज समझें, राज समझाएं, आखिर राज की बात क्या है, और योगी बने और दूसरों को योगी बने, यही कर्तव्य है। और बाबा जब से ये ज्ञान मिल गए भट्टी करके जब से आए हैं बाबा, ये कम से कम 300 आदमी को संदेश दिए हैं भक्ति मार्ग का जितना भी है, और ये बेसिक का भी कुछ दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत मंथन चिंतन हो रहा है बंदा बाबा, अभी तक एक भी निकला नहीं, निकला नहीं, आगे निकल पाएंगे, चिंता न करो, कोई बीज डाला जाता है तो पथरीली जमीन होती है तो नहीं उगता है, वही पत्थर टूटते 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 मिट्टी बन जाता है, उसी में वो बीज फिर बरसात पड़ी और उग जाता है। उसी के संबंध में एक प्रश्न, अभी दुबारी में एडवांस का जो उल्लेख किया हुआ है, एक से हम बेसिक वाले से पूछे एडवांस क्या बोला, इसका अर्थ क्या है, बोले क्या बोलता है, रानी की दादी रानी की दादी और कुमारी की दादी, इनको बोलते हैं ये एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी जानकी दादी का अर्थ क्या है, हमने पूछा हाँ, कुमार का दादी से पूछा हाँ, वो कुमारी से पूछा नहीं, बेसिक वाले से, बेसिक वाले से पूछा, पूछे तो वो बोलने लगे कि ये तो जानकी दादी कुमारी का दादी जानकी दादी और कुमार का दादी एडवांस है, एडवांस अच्छा, एक कुछ बताएगा दूसरा कुछ बताएगा, उनकी मान्यता यह है कि जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी वो एडवांस में जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, विश्वेश्वर भाऊ ने शरीर छोड़ा, मनमोहनी दीदी ने शरीर छोड़ा, तो जो जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो एडवांस में जा रहे हैं, तब तो ठीक बोला है, तब तो ठीक बोला है, लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है एडवांस पार्टी वालों के पास तुम जाओ या न जाओ, क्या उनका परिवार बहुत पावरफुल परिवार लेकर स्टेज लेकर के प्रत्यक्ष होगा, वो तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, तुम्हारी स्टेज एडवांस में जाने के लिए वो रुके हुए हैं, एडवांस पार्टी तैयार है, रेडी है, तुम रेडी नहीं हो, तो ठीक है, उनके परिवार में जाओ या ना जाओ, तो परिवार का सूक्ष्म बदन होता है, वो तो फरिश्ता है, उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं होता है, तो परिवार का आएगा, वो आत्माएं यहां एडवांस वालों में प्रवेश कर रही है, ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश कर रही है, विश्वेश्वर की सोल बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, मनमोहनी देवी की आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, वो आत्माएं भी अलग अलग धर्मों की हैं, एक धर्म की आधार मूर्त नहीं है, तो जो जिस धर्म की आधार मूर्त है वो उसी धर्म की एडवांस की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, दोनों ही मिलकर के एडवांस हैं, जो शरीर छोड़ गए वो हैं इंस्पिरेटिंग पार्टी,
उमंग उत्साह बढ़ाने वाली पार्टी प्रवेश करके, और जिनमें प्रवेश करते हैं वो है प्लानिंग पार्टी। उनकी बुद्धि में ज्ञान की प्लानिंग चलती रहती है, नई दुनिया कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, कौन निमित्त बनेंगे, कौन सहयोगी बनेंगे, ये सारी बातें, सारी नई दुनिया की प्लानिंग, खाका, मैप, नक्शा उनकी बुद्धि में चलता रहता है। जिनमें वो प्रवेश करते हैं उनमें वो है प्लानिंग पार्टी। और तीसरी पार्टी वो है जिसके लिए बाप दादा ने अभी बोला कि विजयमाला का आवाहन करो। वो बेसिक में अभी भी बैठे हुए हैं, 10% हैं वहां सिर्फ। कितने? 10 धर्मों के आधार मूर्त हैं वहां। उन 10 धर्मों के आधार मूर्त में से सिर्फ 10% ऐसी ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार हैं जिनका आवाहन करने के लिए बोला है पवित्र आत्माएं। वो आकर के जब तुम्हारे सहयोगी बनेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये भी बोला है, बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये चीज होने वाला दरी है बाबा, है दरी है, है? दरी है, दरी क्या देरी क्या हो जाएंगे, देरी क्या, देरी है, देरी तो आपके आवाहन करने की है। आप रानी मक्खी को बुलाओ और सारा झाड़ आ जाएगा। और कवि ने लिखा है, फर्रुखाबाद का बहुत तारीफ करी है, पहले फर्रुखाबाद दूसरा काशी, जहाँ कर गंगा स्नान छूट जाए जबकि फांसी। वो तो बात है, भगवान आता है तो पहले फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद के लोग मालिक को पहचानते हैं, दूसरे जिले का नाम क्यों नहीं लिया, फर्रुखाबाद का ही नाम क्यों लिया। विश्व के मालिक की बात जहां कहीं भी मुरली में आई है तो मालिक के साथ किसको जोड़ दिया, जिले को, फर्रुखाबाद को जोड़ दिया। तो फर्रुखाबाद से शुरुआत होती है। मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा है। क्यों? नेहरू जी को मानने वाले इलाहाबाद में ही क्यों ज्यादा है? नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से ही क्यों चुनाव जीतते रहे? उसको ज्यादा मानते, क्योंकि वहां वो पैदा हुए, तो जहां के वो पैदा हुए हैं, जहां के वो रहने वाले हैं, वहां के लोग उनको ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बड़े आदमी बन गए। ऐसे ही विश्व का मालिक जब फर्रुखाबाद में पैदा हुआ आदमी विश्व का मालिक बन जाएगा तो फर्रुखाबाद वाले नहीं मानेंगे, फर्रुखाबाद वालों में तो एकदम खून में जोश आ जाएगा। हैं? हैं? हाँ? भक्ति मार्ग का जो शास्त्र है बाबा अभी जो बताए थे, इस शास्त्र को पूरा जब तक निर्मूल नहीं होगा तब तक भक्ति मार्ग का जो शास्त्र बनाया हुआ है इसको जब तक दिमाग से जब निकल जाएगा तभी ठीक रहेगा। निकल तो तब जाएगा जब उसका असली अर्थ समझ में आएगा। ये भी तो बोला है कि पहले पहले शास्त्रों में सच्चाई थी। शास्त्र भी तो कोई चीज है, तो शास्त्र पहले सतो प्रधान होते हैं कि पहले से ही तमो प्रधान होते हैं? पहले सतो प्रधान था। जब शुरू शुरुआत में द्वापर युग के आदि में जैसे द्वापर सतो प्रधान था, सतो प्रधान अब विचारी भक्ति होती थी, उस समय शास्त्र भी सतो प्रधान थे, एक के मुख से निकले थे व्यास। बाद में फिर उनके अनेक शिष्य बने, अनेक गुरु हो गए, एक ने अपने अनुसार व्याख्या की, दूसरे ने अपने अनुसार व्याख्या की, तीसरे ने अपने स्वार्थ से व्याख्या कर दी, अनेक बातें पैदा हो गई। आज उसी गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं तैयार हो गई हैं, और सब टीकाएं एक दूसरे से, एक दूसरे को काट करने वाली। मूल में ही माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है नहीं, सब एक आत्मा है,
अनेक आत्माएं नहीं है, एक परमात्मा है। तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। लो कितना काट हो गया। टैगोर गीता अलग बात कहती है, गांधी गीता अलग बात कहती है, एक सौ आठ माला के मणके और 108 गीता की टीकाएं हो गई। एक गीता का अर्थ दूसरे गीता से लेंगे, टकरा रहा है। और बहुत अच्छी गीता इस किताब में लिखा हुआ है, वन से आने के बाद सेवा का रूप बदल जाता है। सेवा का वेदांती आने के बाद एडवांस में गीता में लिखा है, एडवांस में आने के बाद सेवा का रूप बदल जाता है। वो तो मुरली में ही लिखा हुआ है। सत्युग में परंपराएं अलग होंगी और त्रेता की परंपराएं अलग होंगी। सत्युग की रीति रस्म रिवाज अलग होंगे और त्रेता की रीति रस्म रिवाज अलग होंगे। सत्युग में राजा नारायण होता है और त्रेता में राजा राम होता है। तो जो राजा आएगा अपनी परंपरा नहीं चलाएगा। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। हैं? अभी तो बता दिया। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ आकर के क्लास में बैठ जाए तो वो तुम्हारी बातें कोई मानेंगे? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जाके बैठ जाओ तो तुम उनकी कोई बात मानोगे? नहीं मानेगा। कैसे मानेंगे? तो मान्यताएं परंपराएं अलग अलग हो गई ना। अलग अलग माँ का सेवा बाप को जानते ही नहीं। माँ का सेवा बाप को जानता ही नहीं है हमारा बाबा को मानने। तो जो बच्चा अपनी माँ को ही जानता हो और 20 बार पूछा है तुम्हारा बाप कौन है और वो ना बताए तो दुनिया क्या कहती है? वो तो कहते हैं बाप दो है। दुनिया क्या समझती है? हम भी बेसी में थे तो बेसी को जो हमारा जो टीचर जो थे वो अभी आते हैं तो कहते हैं मिश्री लाल भाई जी आप क्यों नहीं आते हैं? हम कहें कि हम तो जा रहे हैं अभी दूसरा जगह पहुंचे। तो क्यों दूसरा बाप को कर लिया है कि हम कहें बाप दो कैसे होता है बहुत भी हमको बताया ना। दूसरा बाप पहले, दूसरा बाप की बात बाद में करो, दूसरा बाप बाद में, पहले तुम्हारे पास जो बाप है वो तो हमें दिखा दो। हमने तो बाप को देख लिया। एडवांस में आने का बाद हम लोग का तीन बाप हो गया। कौन कौन तीन बाप हो गए? ज्योति बिंदु आत्मा का बाप। वो तो आत्मा का बाप हुआ, हम तो जीव आत्मा है। और एक एक प्रजापिता सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बाप, एक लौकिक बाप, तीन बाप तो हो गए। दो हो गए। आत्मा का बाप आत्मा का अभी 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 हम आत्मा नहीं बने तब तो दो ही बाप। अच्छा चल ओम शांति।